हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी यूनिट है ये, यूनिट 6 है क्लास 4 की। और इसमें जो पहली पोइम है, उस पोइम का नाम है डोंकी आई हैड ए लिटिल पोनी, एंड फिर ये एक स्टोरी है द मिल्क मैन काउ। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पोइम अपनी द डोंकी। डोंकी माने क्या होता है बच्चों? सर गधा होता है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं और वो मम्मी पापा हैं वो, और जो टीचर वो डोंकी बोलते रहते हैं। हाँ, जब आप शरारत कर रहे होते हैं कुछ ऐसे जो है, कई बार जो है आपको बोला जाता है, तो इस पे दिल पे लेने वाली बात नहीं है। तो आइए उसकी प्यारी सी जो है कि ये पोइम है, इसको पढ़ते हैं। इज अ डोंकी, इफ आई हैड ए डोंकी, अगर मेरे पास एक डोंकी होता, एक गधा होता, ही वुड नॉट गो। क्योंकि जो डोंकी होते हैं ना, वो शरारती होते हैं, वो कई जगह एक जगह पर रूठ कर खड़े हो जाते हैं और आगे चलते नहीं, चाहे उनको कितना ही पीट लो। तो ऐसी जो एक ये पोएम है, इफ आई हैड ए डोंकी, अगर मेरे पास एक गधा होता एंड ही वुड नॉट गो, और वो आगे जाने से मना कर देता, वुड आई वुप हिम, क्या मैं उसकी पिटाई करती? नो 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 नो, नहीं, आई फाइंड ए लिटल हे, मैं क्या ढूंढता या ढूंढती, मैं जो छोटी सी जो हे होती है, घास है, वो ढूंढता या ढूंढती, एंड गिव हिम सम कॉर्न, और उसको क्या है, कुछ कॉर्न देती, मक्की के जो दाने हैं वो दे देती, देन ही वुड बी द बेस्ट डोंकी, और फिर क्या होता, वो सबसे जो बढ़िया जो है गधा है वो होता, दैट एवर वाज बोर्न, जो सबसे जो है जिसका जन्म हुआ है, और वो सबसे ही जो बढ़िया जो है डोंकी होता है। इस तरीके से एक डोंकी की एक पोएम है, और जो कवि है वो कामना कर रही है डोंकी के होने की। और अब डिस्कस करते हैं आई हैड ए लिटिल पोनी। आई हैड ए लिटिल पोनी, पोनी क्या होता है, ये छोटा सा जो घोड़ा होता है, इनको बोला जाता है पोनी, और बड़े होते हैं उनको हॉर्स बोलते हैं, और इनको छोटे को बोला जाता है पोनी। आई हैड ए लिटिल पोनी, मेरे पास एक लिटिल छोटी सी पोनी थी, हिज नेम वॉज डेपल ग्रे, उसकी जो पोनी थी उसका क्या नाम था, डेपल ग्रे नाम था। आई लेंट हिम टू ए लेडी, मैंने उसको औरत थी कोई लेडी, उसको मैंने उसको लेंट कर दिया, उधार पे दे दिया उसको, कि भाई रख लो आप, टू राइड ए माइल अवे, किसको, एक जो माइल है कुछ दूर की यात्रा ताकि आप कर सको। सी विप्ड हिम, उसने उसको पिटाई करी। सी लैश्ड हिम, उसने उसको जो है चाबुक से मारा बहुत। सी ड्रॉव हिम थ्रू द मायर, उसने उसको जो मायर क्या होता है, दलदल, उस दलदल के अंदर से भी उसने उसको यात्रा करवाई, वहाँ से भी वो उसको ले गई। आई वुड नॉट लेंड माई पोनी नाउ, अब मैं किसी को जो है अपनी जो पोनी है वो उधार नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी, फॉर ऑल द लेडीज हायर, चाहे वो कितने ही पैसे दे दे, पर उस लेडी को मैं फिर जो है दोबारा कभी भी जो अपनी पोनी है वो लैंड नहीं करूँगी। तो इस प्रकार की एक पोएम थी ये, आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब डिस्कस करते हैं स्टोरी को, द मिल्क मैन काउ। जो मिल्क मैन कौन होता है बच्चों? दूधिया, दूधिए की गाय। द मिल्क मैन काउ वाज इन ए बैड मूड, जो मिल्क मैन थी दूधिया था, उसकी जो गाय थी वो बैड मूड में थी। इट सेट इन द मिडल ऑफ द रोड, और जो रोड है, रास्ते हैं, उसके जो मध्य में जाके वो बैठ गई, एंड रिफ्यूज टू मूव, और आगे जाने से उसने मना कर दिया, भाई कि भाई मैं आगे नहीं जा रही। द मिल्क मैन बैग्ड द काउ टू गेट अप, जो है उसने उसकी जो है बैग की, हाथ जोड़े प्रार्थना की उससे कि भाई गाय खड़ी हो जाओ। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रोंग, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं फॉर किसके लिए,
उनके दूध के लिए ताकि वो ताकतवर बड़े हो सके। प्लीज गेट अप, कृपया करके जो आप खड़ी हो जाइए। ही प्लेडिड, उसने जो है उससे प्रार्थना की। ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रे, उसने जो है उसको खींचा और वही और जो है प्रे की उससे कि भाई खड़े हो जाओ। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे, परंतु उस दिन जो है गाय है वो उस दिन कहीं नहीं जा रही थी, वहीं पर बैठ गई तो बैठ गई वहाँ पर। अलोंग केम ए पुलिसमैन, और वहीं पर ही है। फिर क्या आ गया, पुलिसमैन आ गया। हिज बटन एंड बकल ग्लीमिंग ब्राइट, उसके जो बटन थे और उसने जो बेल्ट बांधी हुई थी वो क्या कर रहे थे, चमक रहे थे बिल्कुल के। फिर क्या बोला वो, ही सेड, उसने कहा, ट्विरलिंग हिज लॉन्ग मोस्टेज, अपनी जो मूछ है उनको वो हिलाते हुए बोला कि मैं देखता हूँ इसको। आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसको कैसे करते हैं सही तरीके से। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, जो पुलिसमैन था और जो दूधिया था उन्होंने भाई बहुत जोर की मेहनत लगाई, पुल किया और फिर है प्रे की कि भाई उठ जाओ। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, परंतु जो काउ थी, गायें थी, उस जो दिन थी कहीं भी नहीं जा रही थी, वो तो बैठ गई थी वहाँ पर। अलोंग केम ए ग्रोसर, और फिर वहाँ पर कौन आ गया, एक जो ग्रोसरी, ग्रोसरी क्या होता है, सामान जो घर का आप सामान लाते हो ना बाहर मार्केट से, बोलते हो ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ, तो दुकानदार को ग्रोसर बोला जाता है। तो फिर वहाँ पर ग्रोसर आ गया विद बैग्स ऑफ पोटैटो, उसके पास के थे आलू के बैग्स थे एंड पीज और मटर थे। ही सैड, उसने कहा, आई विल मूव दिस काउ विद माई ग्रेटेस्ट ऑफ इज, मैं तो उनको, उसने कहा कि बड़ी आसानी से, ईज क्या होता, किस काम को बहुत ही सरलता से करना, कि मैं तो बहुत इस काम को आसानी से कर दूंगा। द ग्रोसर, वो दुकानदार, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, पुलिसमैन और मिल्कमैन तीनों ने भाई उसको खींचा और वही प्रे की कि भाई उठ जाओ। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे, परंतु उस दिन जो है गाय है वो कहीं नहीं जा रही थी। अलोंग केम ए रेसलर, फिर वहाँ पर एक पहलवान आ गया। हिज मसल ग्लीमिंग इन द सन, उसकी जो मसल थी वो क्या रही थी, ग्लीमिंग यानी कि चमकना, चमक रही थी किसमें, सूर्य में, की रोशनी में। ही सेड, उसने कहा, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्स, लगे 10 घोड़ों की मेरे पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, सो दिस शुड बी फन, तो इसमें जो है मजा आना चाहिए। द रेसलर, जो रेसलर था, और फिर कौन था, ग्रोसर जो दुकानदार था, पुलिसमैन पुलिस वाला वहाँ पर, और एंड द मिल्कमैन, चारों ने फिर वही है, पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रे, उन्होंने खींचा धकेला उसको और क्या की, प्रे की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे, परंतु जो है उस दिन जो है वो काव थी, गायें थी, कहीं भी नहीं जा रही थी। अलोंग केम द आइसमैन, और फिर वहाँ पर कौन आ गया, आइसक्रीम मैन आ गया, आइसक्रीम बेचने वाला। जिंगलिंग हिज कार्ट, और वो अपनी जो गाड़ी लेके आया था वो उसको उस पर जिंगलिंग की आवाज़ करता हुआ, मतलब के घंटी बजाता हुआ, कूल डाउन इट कैन नॉट बी टू हार्ड, बोला कि यह तो इतना जो मुश्किल है वो नहीं हो सकता है, कूल डाउन, शांत हो जाइए। द आइसक्रीम मैन, फिर वो सारे के सारे, रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, फिर सबने जो है मेहनत की एंड द को, और फिर यहाँ से आपको ना थोड़ी सी वो है, मिस प्रिंटिंग सी हो गई है, आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए था कि देन केम द बॉय, फिर वहाँ पर एक जो है बच्चा है वो आ गया एंड ही हेल्ड आउट ए सेल्फ ऑफ टेस्टी ग्रीन ग्रास, कुछ उसने घास के जो दाने हैं वो पत्ते हैं वो उसको दिए। काऊ को, द काऊ बिगन टू च्यू, जो है गायें हैं वो चबाने लगी। च्यू क्या होता है बच्चों, चबाना। ही स्लोली लेड हर टू द साइड, वो उसको स्लोली यानी कि धीरे धीरे दूसरी साइड पे ले गया, फॉर
और ही न्यू व्हाट टू डू, क्योंकि वो जानता था कि क्या किया जाना चाहिए। द ग्रोसर है जो दुकानदार था, उसने क्लैप्ड ताड़ी बजाई। पुलिसमैन टोल्ड हिज स्टिक एंजॉय, जो पुलिसमैन था उसने अपनी स्टिक है, डंडी है, वो हवा में लाई इन खुशी। जॉय क्या होता है बच्चों? खुशी में, क्योंकि उन्होंने इतने जो बड़े आदमी हैं वो काम नहीं कर पाए। एक पहलवान था, सबसे पहले मिल्कमैन था, फिर वहाँ पर पुलिसमैन आया, फिर वहाँ पर वो आइसक्रीम मैन भी आया। तो इन सब बातों का आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन कौन आए थे। सबसे पहले कौन आया था? मिल्कमैन, जिसकी गायें थी। फिर पुलिसमैन आया, और फिर कौन आया? ग्रोसर आया, और फिर क्या आया? वो आइसक्रीम मैन आया, और फिर परंतु किसने? वो छोटा जो बच्चा है उसने जो है उसको रोड से उठा दिया। कैसे भाई? उसको घास देकर। द रेसलर ग्रीन, जो है रेसलर है वो मुस्कुराया। द आइसक्रीम मैन वूप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, जो है आइसक्रीम जो बेचने वाला था वो आश्चर्यचकित था बच्चे की जो क्लेवरनेस। क्लेवरनेस क्या होता है? चलाक, वो कितना होशियार था उसकी चलाकी देखकर। द मिल्कमैन हैप्पली क्लेटेड हिज पेल, और फिर जो उसने जो अपनी जहाँ पर वो बर्तन है जिसमें वो दूध निकालना था उसने वो किया खुशी से। और बींग काइंड एंड लविंग इज द बेस्ट, जो बींग काइंड मतलब के दयालु होना एंड लविंग इज बेस्ट, और मतलब के प्यार करना इज सबसे बढ़िया है। फोर, क्योंकि फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, क्योंकि यहाँ पर जो है फोर्स है, कोई हम दबाव में किसी से काम करवाए तो वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो ये विद्या प्रधान की जो है एक प्यार सी एक स्टोरी थी, इसमें क्या बताया गया है कि हमें कुछ कामों को बिल्कुल ही आराम से प्यार से करवाना चाहिए विदाउट स्ट्रेंथ का यूज किए, फोर्स का यूज किए हुए। और ये जो है आपके जो टीचर हैं उनको भी ऐसा ही अपनाना चाहिए कि आपसे जो भी आपका होमवर्क है वो प्यार से करवाएं, और ना कि फोर्स से आपको डरा धमका कर, और उसके करने की बजाय आपको प्यार से समझाए जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो और आपका होमवर्क करवाए। तो इस प्रकार की ये एक स्टोरी थी, आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी कुछ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।